हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो यार क्लासेस के लोड की वजह से थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा होगा, वर्क लोड बढ़ा होगा, लेकिन और जेईई मेंस के नए सिलेबस जो अनाउंस हुआ ना, कई सारे टॉपिक्स था ना वहाँ पे डिलीट हुए हैं ना, कुछ टॉपिक्स था जिनका वेटेज डेफिनेटली बढ़ेगा, तो उनका खासा लोड हमारे ऊपर दिमाग में बढ़ा होगा। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है बच्चों, फेस्टिवल टाइम, तो आपकी क्लासेस का लोड कम हो जाएगा रिलेटिवली, है ना, पहले के कंपेयर में। तो ये टाइम है बच्चों खुद को रीएनर्जाइज करने का, अपने सिस्टम को रिबूट करने का ना। तो अपने घर पे जाना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि घर पे जब जाओगे आपको एंजॉय नहीं करना, अपने फ्रेंड के साथ मिल सकते हो, या कई सारे बच्चे ऑलरेडी जो घर से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अपने पुराने फ्रेंड्स जिनसे मिले नहीं है उनसे थोड़ा मिल सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, और दिवाली के टाइम पे मिठाई वगैरह आप खा सकते हैं। यस, और उसके बाद में देखो खुद को, लेकिन ये नहीं है कि अपन अपनी पढ़ाई पूरी छोड़ दे, है ना, उससे क्या होगा, पूरी कनेक्टिविटी नहीं छोड़ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ प्रोडक्टिव हार्स दिन के 3-4 घंटे या 2-3 घंटे, मतलब आपको डिवाइस है ना, डिवाइस में आपको आइडेंटिफाई करना कि किस दिन मुझे टाइम मिल सकता पढ़ने का ना। तो मिनिमम इतना ज्यादा भी टाइम हमें नहीं लेना, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ना अपना डिवाइस प्लान जरूर से बनाए। जो भी आपके जितने भी दिन के आपके वेकेशन है उनका प्लान होना जरूरी है। ओके, देखो प्लान में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले देखो एक जो टॉपर होता है ना वो क्या करता है कि अपने जो डिफिकल्ट, देखो एग्जाम्स में आसान और डिफिकल्ट चीज दोनों आती है, और आपको पता है कि आपको कौन सी चीज डिफिकल्ट लगती है, तो आपको क्या करना, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, तो उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, आपको काम करना अपनी वीकनेस पे। तो आपको जो भी वीक टॉपिक्स है तो उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो और भी ज्यादा, या उन लेक्चर्स को फिर से कहीं डिफरेंट सोर्सेस से भी आप देख सकते हो, तो उससे क्या होगा आपका वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपके कोई बैकलॉग, जनरली टॉपर्स के बैकलॉग नहीं होते, रिलेटिवली कम होते हैं या नहीं होते, तो आपको अपने बैकलॉग कंप्लीट जरूर करने हैं ना। इससे बेस्ट टाइम कुछ भी नहीं होगा अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने का या अपने स्ट्रेस को कम करने का ना, क्योंकि बैकलॉग हट गए तो स्ट्रेस काफी लेवल पे कम हो जाता है। उसके बाद में दिस इज ना रिवीजन, क्योंकि देखो हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं, आपने अपना सिलेबस काफी कंप्लीट कर चुका होगा, तो उससे क्या होगा रिवाइज करना काफी जरूरी है। तो कुछ पूरे मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है ना जो अभी काफी स्ट्रॉन्ग है, ओके, तो आपको लगता है कि उनको रिवीजन करके काफी टाइम हो गया, तो उनको आप अच्छे से रिवाइज कर ले, अपने नोट्स दें या कुछ मतलब पीवाई यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं करें तो कुछ अच्छे सवाल तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और फेस्टिवल के बाद में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा, क्योंकि वो मेन टाइम होगा आपका, पीक टाइम होगा, प्रिपरेशन होगा। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे सर कि अब हम मानना रिलेटिवली हमारा प्लानिंग नहीं बन पा रहा ना, हम खुद से प्लान नहीं कर पाते चीजों को या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो उन्हीं सभी बच्चों के लिए मैं बात करना चाहता हूं। कुछ बच्चे जो स्कूल के साथ अपनी तैयारी करते थे, ओके, अब है ना हल्की फुल्की पढ़ाई करते, लेकिन चाहते हैं अब जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट अच्छे से दे, या कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कम से कम कट ऑफ से हमारा पार हो जाए, तो उन सभी बच्चों के लिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं, उनके लिए है जीवन प्लस। ओके, जीवन प्लस में क्या होता है कि आपको रैंक बूस्टिंग क्लासेस तो मिलती है साथ के साथ, उसके अलावा है ना जीनियस बेस की, जीनियस एंड जीवन बेस ना, दो डिफरेंट बेस है, तो जीवन की सारे मतलब टॉपिक वाइज है ना, टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाती है ना, सारी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, सब टॉपिक्स हो गए, तो कम से कम एटलीस्ट उनको भी आप फोकस कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स आपके जो आपको हमेशा दिक्कत देते हैं, तो वो टॉपिक्स भी आप जाकर यहां से अटेंड कर सकते हैं, तो दैट्स द बेस्ट वे टू है ना रिवाइज द थिंग्स और अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। उसके साथ सारी टेस्ट सीरीज होती है ना एनटीएस पैटर्न पे, और रैंक बूस्टिंग जो यहां पे प्रेडिक्टर पेपर्स टाइप जो सवाल होते हैं हमारे, वो सब कुछ आपको यहां पे मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी खासी रैंक बूस्ट हो जाएगी। तो बेस्ट जिसमें आपको नहीं, आप जो प्लानिंग हो चुकी है उसी को एग्जैक्टली आपको फॉलो करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है अपने एग्जाम्स तक। दिस इज जीवन क्लासेस फॉर द 11th एंड ना 11th 12th एंड ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, सारा कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई 11 का बच्चा है जिनको लगता है कि यार मुझे 12th में जेईई देनी है, तो 11 का टॉपिक्स को काफी स्ट्रॉन्ग आपको करना, उनके लिए आपके लिए जीनियस प्लस बेच है, उसमें क्या होगा जीनियस की सारी क्लासेस प्लस रैंक बूस्टिंग क्लासेस, उससे आपका 11 काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है पढ़ाई थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए, क्योंकि ना अपन डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते पढ़ाई से, और साथ के साथ रिबूट होने के साथ साथ ना सिस्टम को रिबूट करना है, रीएनर्जाइज करना है, तो अपनी वेकेशन को भी एंजॉय करना है। लेकिन प्रोडक्टिव हार्ट में आपको अपनी पढ़ाई करनी है ना, 3-4 घंटे हो गए या 2-3 घंटे हो गए पर्टिकुलर डे पे, मेन दिन जो दिवाली का होता है उस दिन थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपने वेकेशन एंजॉय कीजिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।